हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर खुशबू और आज मैं आपको बताऊंगी स्किन शाइन क्रीम के बारे में। स्किन शाइन क्रीम बहुत फेमस है हमारे देश में। तो ये स्किन शाइन क्रीम में ऐसा क्या है कि लोग इसको लगाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसको लगाते हैं। बहुत सस्ती सी क्रीम है ये, 15 ग्राम 133 रुपये की आती है। इसमें क्या क्या क्रीम्स में इंग्रीडियंट होते हैं, कैसे आप इसको लगाते हो, इसको लगाने से क्या आपको इफेक्ट्स मिलते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं, और इसको अगर आपने लगाना बंद कर दिया तो क्या हो सकता है। ये एक बहुत ही जेन्युइन रिव्यू है। YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें बहुत ही गलत शिक्षा दी गई है कि ये क्रीम लगाने से आपका फेस बहुत अच्छा हो जाएगा, गोरा हो जाएगा, लेकिन इस क्रीम को लगाने के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम लोगों ने बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किन शाइन क्रीम 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक है इसमें मोमेटासोन, जो एक स्टीरॉयड होता है। आपने सुना होगा कि स्टीरॉयड लगाने के, खाने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। स्टीरॉयड के इफेक्ट्स अच्छे भी होते हैं और ख़राब भी होते हैं। दूसरा है ट्रेटिनोइन। ट्रेटिनोइन एक पिंपल की दवाई होती है जो पिंपल्स को सुखाती है, स्किन को सुखा के। तीसरा है इसमें हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन एक ब्लीचिंग एजेंट है जो हमारे फेस को, जहाँ पे पिगमेंटेशन होता है, उसको कम करता है। तो इन 3 चीज़ों से ये क्रीम मिलकर बनी है। इस क्रीम को आपका जो स्किन का डॉक्टर है वो कुछ टाइम के लिए आपको दे सकता है, लेकिन इस क्रीम को निर्धारित समय से ज़्यादा दिनों के लिए नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस क्रीम को अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के बहुत लंबे टाइम तक लगाओगे तो आपके चेहरे पे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उन साइड इफेक्ट्स में आपके चेहरे की जो नसें हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो स्टीरॉयड है, जो इसमें मोमेटासोन स्टीरॉयड है, वो आपकी स्किन को धीरे धीरे करके बहुत पतली कर देगा। जब आपकी स्किन बहुत पतली हो जाएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन होने लगेगी। आप धूप में जाओगे तो आपका चेहरा जलने लगेगा, अगर आपको गर्मी लगेगी तो भी आपका चेहरा जलने लगेगा। तो ये स्किन सेंसिटिविटी हो जाती है। दूसरा जो ट्रेटिनोइन है वो भी स्किन को ड्राई करता है। तो जब ये क्रीम हम बहुत लंबे टाइम तक लगाते हैं तो हमारे चेहरे पे पैचेस बन जाते हैं, जो ड्राई पैचेस होते हैं, फिर बाद में वही पैचेस काले पड़ जाते हैं। आपके चेहरे पे स्टीरॉयड लगाने की वजह से बाल आ सकते हैं। तीसरा इसमें जो हाइड्रोक्विनोन है, जो स्किन को ब्लीच करता है, उसको अगर आपने थोड़े टाइम के लिए लगाया तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको महीनों महीनों सालों साल लगाते रहे तो उसका उल्टा रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी स्किन परमानेंट ब्लैक पड़ जाएगी और उसको फिर ठीक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब साइड इफेक्ट्स भी इसके कभी ना कभी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्रीम को अगर आपको लगाना है, अगर आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, तो कुछ टाइम के लिए आप इसको लगा सकते हो। जिनको झाइयाँ होती हैं, जैसे यहाँ पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। अगर आप इसको बिना डॉक्टर की सलाह के लगाना स्टार्ट कर देते हो या अपने फ्रेंड की रिकमेंडेशन पे स्टार्ट कर देते हो, तो जब तक आप इस क्रीम को लगाते हो आपको अच्छा लगता है। कुछ लोगों तो लगाते लगाते स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, बर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है, और कुछ लोगों को लगाने से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, उनको लगता है कि हाँ वो गोरे हो रहे हैं, सच में उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो आ रहा है। तो ये क्रीम जब आप लगाते हो तो ऐसे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, लेकिन जब आप इसको बंद करते हो तो आपका चेहरा पहले से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। ये स्किन शाइन क्रीम का एक जेन्युइन रिव्यू है। दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने स्किन शाइन क्रीम लगाई है और उसके बाद आपका चेहरा ब्लैक पड़ गया तो उसको आपको कैसे ठीक करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।